So hello guys, Auxilia back with another video, and if you end up liking this video, please give it a big fat thumbs up and also subscribe my channel for more awesome content like these. And this video is all about Astra and Breach combo and how you can surprise your enemies with this gameplay. So without any further ado, let's quickly get into this video. ओके तो स्टार्ट करते हैं सीट साइट के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पर एस्ट्रा का स्टार आएगा. एस्ट्रा जी स्टार लगाइए. सो बेसिकली आपको करना क्या है, जितने भी बंदे यहाँ से पुश कर रहे होंगे, सो ऑब्वियसली जैसे ही पुश होगा एस्ट्रा का आएगा पुल इन यहाँ पर. एंड एज अ ब्रीच आपको खड़े रहना है यहाँ पर एंड यू हैव टू पॉप अ फ्लैश. तो जैसे ही बंदे पुल इन होंगे यहाँ पर एक फ्लैश आएगा, सारे बंदे अंधे लौड़े बन जाएंगे. नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चलते हैं. यहाँ पर कुछ बंदे पुल इन में नहीं आए एंड कुछ बंदे यहाँ चढ़ गए, अज्यूमिंग कि एक या दो या फिर जितने भी. आपको नेक्स्ट करना क्या है, आपको अपना फर्ट लाइन निकालना है, यहाँ पर कंकस करना है डेड. तो टेक्निकली जो जितने भी बंदे यहाँ एंड यहाँ थे वो फ्लश आउट हो गए. एंड इफ़ कोई यहाँ पर है तो ऑब्वियसली अगर आपको पुश करना है कर सकते हो, वरना आई वुड रिकमेंड कि स्टे बैक इनसाइड एंड ट्राई टू टेक अ फाइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू पुश इन सी साइड. तो पुश कैसे करना है, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एस्ट्रा को बोल रहे हैं यहाँ एंड यहाँ. यहाँ पर दो स्टार्स होने चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार, यहाँ पर एक स्टार. सो एक यूज़ होगा कन्वेस करने के लिए, दूसरा यूज़ होगा पुलिंग इन डालने के लिए. और एस्ट्रा को आपको साथ करना है या फिर कोई भी, अगर जेट होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर एस्ट्रा हो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सबको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है, फ्लैश डालना है. तो यहाँ पर टेक्निकली लोग कंकस्ट एंड फ्लैश्ड एज वेल एज पुलिंग में फंसे हुए हैं और यहाँ से मेरा फ्लैश आएगा. तो टेक्निकली जितने भी बंदे इस रेडियस में होंगे सब डेड. एंड अगर कोई बंदा इतना लकी हो कि वो पीछे आ गया, आपको सेकेंडरी फ्लैश डालना है यहाँ पर एंड यू विल गेट देम ऑफ गार्ड. सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू रीटेक सी साइड. तो सी साइड में बेसिकली आपको करना क्या है, ये जो आपको ग्रीन बॉक्स दिख रही है इसके पीछे आपको अपना कंकस डालना है लाइक दिस एंड यू हैव टू पॉप योर आफ्टर शॉट. तो ये वाला जो कॉर्नर है ये फ्लश हो चुका है. नाउ सेकेंड कॉर्नर जो फ्लश होगा उसके लिए आपको एस्ट्रा को कहना है कि वो अपना जो क्या कहते हैं बेसिकली ये है पुलिंग इन वाला, वो डाले यहाँ पर जहाँ पर बेसिकली जो लॉग्स होती हैं, जहाँ पर बंदे बैठे रहते हैं ऑब्वियसली. सो यहाँ पर हमारे पास एक पुलिंग इन का स्टार डाला हुआ है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज आपको अज्यूमिंग कि यहाँ पर कोई बंदा है, एक फ्लैश एंड वो बंदा कहीं भाग नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली वो पुलिंग इन में फंसा हुआ है. ओके सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट आवर बी साइट, जो कि मेरा फेवरेट साइट नहीं है बट फिर भी. तो बेसिकली आपको करना है कि आपको एस्ट्रा को बोलना है वो अपना एक स्टार यहाँ लगाएं, जस्ट बिकॉज कि एनिमीज जब यहाँ पर पुश करेंगे दे विल अज्यूम कि दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली फॉर योर स्मोक्स, बट हम इसे यूज करेंगे डालिए पुलिंग इन के लिए. एंड नाउ एज अ ब्रीच आपको क्या करना है, जब वो पुल इन हो रहे होंगे यू हैव टू पॉप अ फ्लैश, यू कैन पॉप इट फ्रॉम एनीवेयर. लाइक अगर आप यहाँ पर पीछे खेल रहे हो तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं. कोई भी यहाँ या यहाँ नहीं जा सकता बिकॉज वो सब मेडल में होंगे एंड यू कैन कैच देम ऑफ गार्ड. नाउ लेट्स टॉक कि हम बी साइड पे रीटेक कैसे कर सकते हैं. तो बी साइड पे बेसिकली जो कॉर्नर्स है वो बेसिकली है ये वाला एंड जो बहुत कॉमन है वही ये वाला. करना क्या है, आपको एस्ट्रा का एक स्टार यहाँ पर प्लेस करवाना है जो कि विजन ब्लॉकिंग के लिए यूज होगा एक स्मोक के साथ. ये जो होगा पुल इन के लिए यूज होगा. एंड जो यहाँ वाला है उस पर आपको क्या करना है, आपको मिनी मैप पे देख के अपना कंकस इस तरह से लगाना है कि पीछे वाला और ये वाला एरिया दोनों कवर हो एंड ये आपको कंकस का. और आपको यहाँ पर एक फ्लैश करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों फ्लैश्ड हैं. यहाँ पर खेल रहा है वो फ्लैश्ड है और जो यहाँ पर होगा वो कंकस्ड होगा. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आप उसे डायरेक्ट फाइट ले सकते हैं या फिर आप उसको डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं. तो आपका जो पूरा बी वाला साइट है वो पूरी तरह से क्लियर है. अगर कहीं यहाँ पर होगा तो उससे कभी भी गन फाइट ले लो यार, थोड़ा खुद भी कर लो कुछ है. नॉलेज से हम ए साइड को कैसे कवर करें एस्ट्रा और ब्रीच के साथ. सो आपको करना क्या है, बेसिकली अगर आप ब्रीच हैं तो आप यहाँ पर खेलेंगे एंड यू हैव टू टेल योर एस्ट्रा कि वो अपना स्टार यहाँ पर डाले
और इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बॉक्सेस से थोड़ा अलाइंड होना चाहिए, ताकि अगर कोई यहाँ से पुश कर रहे हैं, अज्यूमिंग यहाँ से कोई पुश कर रहा है, एंड आई विल पॉप माय फ्लैश राइट हियर, फ्लैश आउट, तो वो यहाँ पर इस बॉक्स में ना जाए, बिकॉज अगर वो बॉक्स में जाएगा तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर फोल्डेड होगा एंड वो फ्लैश भी होगा. सो आप यहाँ पर सारे एंगल्स को ईजिली क्लियर कर सकते हैं. सो अभी हम देखेंगे कि हम ए साइड को रीटेक पे कैसे खेल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको ये वाला एंगल फ्लैश करने के लिए एस्ट्रा को यहाँ एक स्टार देने को बोलना है, एंड नाउ दिस विल बी यूज्ड टू पुल द एनिमीज जो कि यहाँ पर खेल रहे होंगे इस टाइप में. पुलिंग एंगल राइट देयर, पुलिंग देम इन, यस. सो यहाँ पर जो भी बंदे खेल रहे होंगे कॉर्नर में, वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएंगे एंड इजीली किल देम. नाउ उस जब ये चीजें हो रही होंगी, आपको साइमल्टेनियसली क्या करना है, यहाँ पर अपना कंकस डालना है एंड Yes, now this angle is clear too. Now आपको क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पर एंगल है, जो बेसिकली अंडर हेवन है, अंडर हेवन पे आपको फ्लैश पॉप करना है एंड विल गेट द अंडर हेवन एज वेल. नाउ आपको बस ध्यान देना है शॉट का एंड इस कॉर्नर का, क्योंकि आप एज अ ईजी गन फाइट कर सकते हैं. और अगर आपको पता है, आपके पास इंटेल है कि कोई ग्रीन बॉक्स इसके पीछे खेल रहा है, तो आप इजीली यहाँ पर फ्लैश दे सकते हैं, यू कैन टेक योर फाइट. सो दैट्स हाउ वी क्लियर Site A. So if you really liked this video, please like, share, comment, all the generic stuff. And also, if you haven't participated in the giveaway yet, the link is in the description. Follow my Instagram and find out how to enter in the giveaway. That's all for today, guys. I will see you in the next one. Peace.